तो दोस्तों ये हमारे पास एक पेंटम का प्रिंटर है, पी 2210 करके है ये, कुल मिला के ये 2200 की सीरीज़ है। इसमें क्या हो रहा है कि जब भी हम प्रिंट आउट दे रहे हैं तो एक प्रिंट आने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा जो पेपर है वो पिक हो रहा है और वो फिर फंस जा रहा है और पेपर जैम का इशू हमें दिखा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों क्योंकि ये जो प्रिंटर है इसमें एक कमांड देने पे दो पेपर पिक कर रहा था, इसलिए हमने सबसे पहले जो है क्लच को चेक करना सही समझा। हमने क्लच को चेक किया लेकिन क्लच में भी कोई इशू नहीं था, क्लच अपनी प्रॉपर वर्किंग में था। इसलिए हम क्लच के बाद जब पेपर हमारा पीछे आता है और पेपर सेंसर पे जाता है तो हम वहाँ पर चले गए। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे प्रिंटर में जो है पेपर जैम हो रहा था और ये हमने इसका पेपर सेंसर निकाला है यहाँ से, ये यहाँ पर कनेक्टेड होता है और सेंस करता है जब पेपर यहाँ से ऊपर जाता है, राइट। ये इसकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग के सहारे ये यहाँ पर अटका हुआ रहता है और एक आईसी यहाँ पर है, ये मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये एक आईसी है और यहाँ पर जब पेपर पिक होता है तो इसको ब्लॉक करता है यहाँ पर, जिससे प्रिंटर को पता चलता है कि पेपर अभी पूरा प्रिंट होके बाहर नहीं निकला है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी और उसका सलूशन कैसे हुआ है। एक बार हम इसको लगा देते हैं। तो ये हमने फिट कर दिया है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स ये वो सेंसर है, मैं आपको दिखाता हूँ सलूशन किस तरीके से हुआ है। ये देखिए, ये इसका नोज़ल है, यहाँ से पेपर जब गुजरता है ऊपर को इस डायरेक्शन में, ये इस तरीके से खड़ा रहता है, इस डायरेक्शन में जब पेपर गुजरता है तो ये टच होता है और ये सेंसर नीचे को मूव होता है। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। इसका आगे का हिस्सा घिस गया बोल सकते हैं या टूट गया था, सो हमने यहाँ पर कुछ लगाया है, चिपकाया है इस पर और ये बड़ी आसानी से अब पेपर को सेंस कर रहा है। तो आइए हम इसको एक बार प्रिंटर को पैक करके आपको प्रिंट करके दिखाते हैं इससे। तो दोस्तों ये हमने प्रिंटर ऑन कर लिया है, और इस पे पावर केबल लगा दी हमने, ये यूएसबी केबल लगा दी है और ये वार्म अप हो गया है सिस्टम। तो चलिए हमने पेपर लगा दिए हैं और कुछ कमांड देके प्रिंट आउट देख लेते हैं। ये भी देख लेते हैं कि पेपर जैम होता है कि नहीं होता है। देखिए हमारा एक पेपर आ गया और ये देखिए बढ़िया प्रिंट आउट दे रहा है, हमारे पेपर जैम भी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा प्रिंट आउट आ गया है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो दोस्तों अगर आपके पास भी पेंटम का ये प्रिंटर है या इस तरह की कोई सीरीज़ है या इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके भी प्रिंटर्स में आ रही है तो आप उसमें देख सकते हैं कि पेपर जो पिक हो रहा है तो उसके बाद वो कहाँ अटक रहा है। आप अगर एक तरफ से जाएं और उसको डायग्नोस करें अच्छी तरह से तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर कहाँ पर जाकर फंस रहा है, उस पर्टिकुलर जगह पर आप सोल्यूशन करें।